हेलो स्टूडेंट, वेदांत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक लेकर, इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है न्यायपालिका, हाजिर हैं। न्यायपालिका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो या संवैधानिक व्यवस्था हो या किसी भी देश की संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है, और तीसरा नहीं, महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, क्योंकि न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। जनता में विधि के शासन की स्थापना करने की कोशिश की जाती है, और यही है जो जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करती है। आपको पता है, तो जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी ही क्यों ना हो, वो एक आजकल इंग्लिश में एक सेंटेंस जरूर बोलता है, जिसको हम कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। ठीक है, आई विल सी इन द कोर्ट, मतलब मैं तेरे को अदालत में देख लूंगा। कहने का मतलब, यहां ये जो सेंटेंस है वो जनता में इसके विश्वास को दिखाता है। ये सेंटेंस इतना बड़ा विश्वास पैदा कर देता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन होता है, तो उसको ये इतना विश्वास है कि कोर्ट, न्यायालय उसके साथ हमेशा अच्छा करेगा या उसके साथ न्याय करेगा। तो कहने का मतलब, यहां हम बात करें विधायिका की या हम बात करें कार्यपालिका की या हम बात करें हम नौकरशाही की या बात करें हम भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी, इन सभी में आ रही विभिन्न समस्याओं का जो समाधान है वो न्यायपालिका या न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। और इसी का जो ये विश्वास है, ये जो विश्वास है, इसने भारत का जो राजनीतिक डर्रा है, सामाजिक डर्रा है, उसको अटूट या अक्षुण्य बनाए रखा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग का हो, उसको ये विश्वास है कि मेरे साथ कभी न्यायालय गलत नहीं होने देगा। तो ये तो हम न्यायपालिका की आवश्यकता की बात करते हैं, या इसके जो कृत्य हैं, महत्वपूर्ण जो कृत्य हैं या इसकी प्रासंगिकता है, इसकी बात हम करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये इतना जब इम्पोर्टेंट है, जब न्यायालय या न्यायपालिका जब इतनी महत्वपूर्ण है, तो और इतनी महत्वपूर्ण कितनी कि वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ऊपर नियंत्रण रख सके। जब ये दोनों के ऊपर नियंत्रण रखती है, विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, उन दोनों पर नियंत्रण रखती है, तो सीधी सी बात है, इसको स्वतंत्र होना जरूरी है, इसको स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो इसकी स्वतंत्रता के लिए इसे क्या क्या प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में, उसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, तभी वो निष्पक्ष होकर फैसला दे पाएगी। और अगर चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, नौकरशाही हो, या सामाजिक व्यवस्थाओं का जो डर्रा है, उसका अगर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा या उसके दबाव या नियंत्रण मुक्त रहेगी, तभी जाकर वो प्रत्येक जनता या आमजन को लाभ या फायदा पहुंचा पाएगी, या उसके अधिकारों के प्रति सजग रह पाएगी, या उसके अधिकारों को देने के लिए वो कोशिश कर पाएगी। तो हम पहला टॉपिक इसका यही लेते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के तत्व। भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से जो तत्व हैं, या ऐसे कौन कौन से जो प्रावधान है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, और वो ये बताते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका इसके नियंत्रण से मुक्त है। तो हम इसका पहला टॉपिक डालते हैं, नंबर एक, नियुक्ति। या हम नियुक्ति किसकी बात करेंगे, नियुक्ति किसकी बात करेंगे, न्यायाधीशों, न्यायाधीशों
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका को शामिल नहीं किया गया। हम अभी आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार के सिद्धांत थे। एक हमारे यहाँ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो प्रक्रिया है उसमें कोलिजियम की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया गया है, ठीक है। अब कोलिजियम क्या है? कोलिजियम यह है कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश CJI एक होता है, आपको पता है। तो अभी 30+1 है, ठीक है, बराबर 31 न्यायाधीश हैं टोटल होते हैं। उसमें ये एक होता है CJI, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अब ये एक तो हो गया ये, प्लस ये भारत का एक मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करता है, ये एक प्लस जो चार अन्य न्यायाधीश क्या करते हैं, कुछ नामों की सिफारिश करते हैं, ये मिलकर, ये सारे मिलकर कुछ नामों की, चार प्लस ये एक, कुछ नामों की सिफारिश करते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उनमें से किसी एक को क्या चुन लेगा, राष्ट्रपति उनमें से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश चुनता है, ठीक है। तो ये होगी कोलिजियम प्रक्रिया। अब यहां ध्यान रखने योग्य ये बात है कि यहां इस प्रक्रिया में कहीं भी विधायिका नहीं है, कहीं भी विधायिका या संसद को शामिल नहीं किया गया। चार एक न्यायाधीश है मुख्य, चार अन्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को शामिल, सॉरी राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति उनमें से ही किसी एक को क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर देगा। और इसकी सलाह से जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, उनके नियुक्ति की जाएगी। तो जब विधायिका को शामिल नहीं किया गया और ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र तौर पर इनका क्या किया गया है, उनका चुनाव किया गया है या इनकी नियुक्ति की गई है, तो क्या होगा, ये विधायिका से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका का कहीं भी कोई भी योगदान नहीं है और यही कारण है कि यह संसद के नियंत्रण, संसद से नियंत्रण मुक्त या अधीन मुक्त रहकर काम करते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है नियुक्ति का आधार, नियुक्ति का आधार क्या है, योग्यता है न कि दलगत भावना। कुछ समझ में आया? न्यायाधीशों की यहां नियुक्ति, यही सीधी बात, हम न्यायपालिका की बात करेंगे और स्वतंत्रता न्यायाधीशों न्यायपालिका की एक ही होता है, क्योंकि न्यायपालिका माने न्यायाधीश ही होते हैं, फैसले वही न्यायाधीश करते हैं। और न्यायपालिका जो, जैसे हम आगे परामर्शदात्री जो सल वो इसका अधिकार क्षेत्र अधिकार पढ़ेंगे, उसमें भी परामर्श देने का काम उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही होता है, ठीक है। तो नियुक्ति का आधार क्या है, योग्यता है, ठीक है। नियुक्ति का आधार योग्यता है न कि दलगत भावना। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति किस दल के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो कोई आदमी बीजेपी का पक्का समर्थक हो, ठीक है, तो बीजेपी क्या करेगी, उसको साहब न्यायाधीश बनाए या CJI बना दे, तो सीधी सी बात है वो किसके सपोर्ट में काम करेगा, इसके सपोर्ट में काम करेगा। तो यहां किसी व्यक्ति की किस दल से क्या जुड़ाव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या होना चाहिए, उस पद को धारण करने के लिए वो योग्यताएं पूरी करना कर रहा होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हो, नंबर एक, या तो वो 10 साल तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता, ठीक है, या 5 साल तक उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो, ठीक है, या
राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? उच्च कोटि का कानूनविद या कानून का जानकार होना चाहिए। ये जो सारी योग्यताएं हैं, जब कोई आदमी पूरी करता है तब जाकर वो नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होगा, शामिल होगा। तो यहां पर क्या है, न्यायाधीश के लिए वो न्याय की जानकारी या कानून की जानकारियां लिख देते हैं, कानून की जानकारी होना आवश्यक है। उसको किसी भी दल की जानकारी या दल में उसका प्रभाव है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता है। तो इस कारण वो योग्यता के आधार पर चुना है, समझ में आ गई, योग्यता के आधार पर चुना है, दल के आधार पर नहीं चुना है। तो ये भी वो योग्यता ही उसको कानून का जानकार या वो योग्यता ही उसको निष्पक्ष होकर काम करने के लिए मजबूर कर देती है या अपने आप ही वो काम करता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे निश्चित कार्यकाल। नंबर 3, निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वहां 65 वर्ष और अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो वहां पर 60 वर्ष की उम्र पूरी होती है तो वो उस या इस उम्र तक वो अपना पद धारण करता है, समझ में आ गई। उसको किसी भी प्रकार से उसकी जो कार्यकाल है उसको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इसका यही पढ़ेंगे, हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया, हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया जिसका नाम क्या है, महाभियोग। हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, महाभियोग। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं होती, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया आसान नहीं होती। तो यही कारण है कि उनका कार्यकाल निश्चित है, उसका कार्यकाल। आप बहुत सारे नेताओं को, किसी पुलिस वाले को या किसी नौकर साहब कहते हुए सुनते हैं कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा या तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा, तो यहां पर ऐसा नहीं। तो वो क्या करता है, जैसे कोई पुलिस वाला या कोई नौकर सा है, जब उसकी जो कार्यकाल है उससे निश्चित नहीं होता, कहने का मतलब है जब उसकी नौकरी स्थायी नहीं होती है तो वो क्या करेगा, अधीनता स्वीकार कर लेगा, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लेगा। तो होता क्या है, जब किसी न्यायाधीश ने किसी भी सरकार या किसी भी नेता के खिलाफ कोई फैसला सुनाया तो वो नेता जब उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकने में सक्षम हो या कार्रवाई कर सकता हो या उसको पद से हटवा सकता हो तो वो व्यक्ति या वो जो जज है वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेगा, उसको उसके हित में या उसके समर्थन में कोई ना कोई फैसला जरूर सुनाना होगा। तो यही कारण है कि उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित रखा गया है, सुनिश्चित रखा गया है। हटाना है तो महाभियोग कहाँ आएगा, संसद में आएगा, दोनों सदनों में पृथक पृथक बहुमत की आवश्यकता होगी और वो भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी दोनों में पृथक पृथक, ठीक है, और ये आसान नहीं होता है। तो इस कारण कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी सरकार हो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए या अपना स्वेच्छाचारी नीतियां लागू करवाने के लिए वो किसी भी जज है या कोई भी जो न्यायाधीश है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है, तो इसीलिए वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय रूप से कार्यपालिका व न्यायपालिका, सॉरी विधायिका,
न्यायपालिका तो है ही ना, विधायिका पर निर्भरता नहीं। होता क्या है, जैसे मैं एक नौकर साहब हूँ, मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ, और अगर मैंने अपने मालिक, अपने आका, अपने सुपीरियर का कहना नहीं माना तो क्या करता है, या तो पैसा काट लेगा या पैसा देगा ही नहीं। तो मेरी निर्भरता उसके ऊपर हो गई, ठीक है। मतलब जो हमको कुछ दे रहा है तो वो हमसे कुछ ना कुछ अपने हित के कार्य जरूर करवाएगा, लेकिन यहां क्या होता है, वित्तीय रूप से, मतलब वो वेतन और भत्तों के लिए जो अपने न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश वेतन एवं भत्ते के लिए इन दोनों पर निर्भर नहीं है। उनको पैसा कहां से मिलता है, संचित निधि से पैसा मिलता है, और संचित निधि के ऊपर इन दोनों का ही नियंत्रण नहीं होता है। तो यही कारण है कि वो वित्तीय रूप से भी आत्मनिर्भर होते हैं, वित्तीय रूप से भी इन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि साहब विधायक जो अपने कार्यपालिका है, या किसी भी मंत्री या सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाया, तो सरकार कह सकती है कि पैसा लेना तो मेरे पास ही आएगा, सैलरी लेना तो मेरे पास ही आएगा ना, तो वो उस सैलरी के दबाव के कारण भी क्या कर सकता है, निष्पक्ष फैसला देने से डरे सकता है। यही कारण है कि उनको क्या किया गया है, उनको स्वतंत्र रखा गया है, वित्तीय आधार पर भी उन दोनों की, इन दोनों की, विधायिका और कार्यपालिका दोनों की कोई नियंत्रण इसके ऊपर नहीं होता है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, जो न्यायाधीश होते हैं के कार्यों एवं फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना से मुक्ति। किसी भी न्यायाधीश के जो काम है या उसका जो फैसला है, उसकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक जज है, जज हूँ, अगर मैंने कोई फैसला सुनाया तो मेरी व्यक्तिगत, मतलब जैसे भाई आपने गलत फैसला सुना दिया, या मेरे जो कार्य है उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है, ठीक है। किसी भी न्यायाधीश के व्यक्तिगत कृत्यों की अगर आलोचना करनी है तो वहाँ वो केवल एक ही जगह है, और वो है महाभियोग, केवल यही की जा सकती है। अदरवाइज आपको पता है, तो अगर ऐसा होता है तो वो न्यायालय की अवमानना माना जाता है, उसको न्यायालय की अवमानना के तौर पर माना जाता है, और इसके लिए न्यायालय उसको दंड, संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। अब सवाल यह कि जब आलोचना नहीं की जा सकती है तो जो भी फैसला सुना दिया किसी जज ने तो वो उसको मानना ही पड़ता है। ऐसा अगर हम उसके फैसले से खुश नहीं हैं तो हम उससे जो ऊपरी न्यायालय है उसमें अपील कर सकते हैं, ठीक है। अपील करने का अधिकार होगा, बल्कि उसकी व्यक्तिगत आलोचना का अधिकार नहीं होगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पिरामिडीय शासन व्यवस्था, सॉरी न्याय व्यवस्था है, ठीक है, पिरामिडीय है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और यहाँ पर सेशन कोर्ट है, ठीक है। तो सेशन कोर्ट के फैसले से अगर खुश नहीं है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, इसके फैसले से खुश नहीं था हाई कोर्ट जाएंगे, इसके फैसले से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च केंद्र होता है, समझ में आ गई। तो हम अगर फैसले से खुश नहीं है तो हम उससे हायर कोर्ट में जा सकते हैं, हम संबंधित व्यक्ति के फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, उतार लें, फिर हम आगे चलते हैं।
उठा लिया हुआ। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को देख लिया, अब हम नियुक्ति की बात करते हैं, या उससे पहले हम थोड़ा सा और न्यायपालिका की बात करें। तो 1950 में भारत में संविधान का गठन हुआ, तो उस समय ही न्यायपालिका को जो हमारा संविधान है उसके प्रहरी, ठीक है, इसको क्या अधिकार दिया गया या इसको क्या कार्य दिया गया, इसको कार्य दिया गया संविधान का प्रहरी, ठीक है, संविधान का प्रहरी या संविधान की रक्षा करने वाला, क्योंकि ये दो तरीके से संविधान की रक्षा करता है, ठीक है। एक हम कहते हैं जिसका महत्वपूर्ण कार्य है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, और दूसरा कार्य है संविधान की व्याख्या, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण कार्य जिसके आधार पर इसको संविधान का प्रहरी होने की जो है वो अधिकार प्राप्त है, या संविधान का प्रहरी होने का ये कार्य करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ कि जब संसद, ठीक है, जब संसद कोई भी कानून बनाती है और अगर वो कानून संविधान के किसी भी सिद्धांत के खिलाफ होता है तो उसको वो ये असंवैधानिक करार दे देता है, ठीक है, और असंवैधानिक बोलते ही वो कानून लागू होने पर रोक लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या कह रहा है संसद, जिसको हम क्या कहते हैं विधायिका की, क्या कर रहा है स्वेच्छाचारिता पर रोक लगा रहा है, यानी विधायिका या हम कह सकते हैं कार्यपालिका, क्योंकि कानून निर्माण में कार्यपालिका का अहम योगदान होता है, ठीक है, और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण है, सब विधायिका की समस्त जो अधिकार उनका इस्तेमाल कार्यपालिका ही करती है। दूसरी बात, संविधान के विभिन्न उपबंधों की वास्तविक जो व्याख्या है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा ही की जाती है, और यही जो चीजें हैं ये दोनों चीजें वो भारत में विधि के शासन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं कानून का शासन की स्थापना करते हैं, ठीक है, विधि का शासन या कानून का शासन किसे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जाति धर्म लिंग वर्ग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करके उनको क्या किया जाए कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार प्राप्त हो। तो न्यायपालिका यही काम करती है, आपको पता है, तो आप देखते हो एक न्याय की देवी होती है, उसके हाथ में एक तराजू होती है, दो उसके तराजू के जो दोनों छोर हैं वो बराबर होते हैं, आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। तो माने क्या हुआ कि वो देख कर फैसला नहीं करती है, बल्कि तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, किस रंग का है, किस रूप का है, कौन सा लिंग है, कौन सा धर्म है, ठीक है, वो कहाँ से आया है, आदिवासी है, या आर्थिक आधार उसका क्या है, ये न्यायपालिका के लिए कोई मायने नहीं रखा जाता है। वो सभी व्यक्ति को समान रूप से कानून का संरक्षण वो प्रदान करती है। यही कारण है कि इसको कानून का प्रहरी या विधि के शासन की स्थापना करने का प्रमुख स्रोत या आधार कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो एक प्रक्रिया मैंने आपको बता दी जिसको क्या कहा जाता है कोलिजियम प्रक्रिया या कोलिजियम का सिद्धांत। तो हम दो प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, एक है कॉलेजियम
सिद्धांत और दूसरा है जो अभी हाल ही में आया न्यायिक के नियुक्ति आयोग। इसमें पांच लोग होते हैं ठीक है, और इसमें छह लोग होते हैं, आपको ये याद रखना है, छोटा मोटा मोटा ये याद रखना है ठीक है। अभी आपके मोटा मोटा ये आना है। कॉलिजियम प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक जो व्यक्ति है जिसको हम CJI कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश ठीक है, और चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, चार और एक पांच, हमने यहां पांच लिखा है, पांच लोग मिलकर क्या करेंगे, कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, किसके पास करेंगे, राष्ट्रपति के पास। वह यहां लिख देता हूं, राष्ट्रपति के पास, यहां लिख देता हूं मैं ये, राष्ट्रपति के पास कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, वह राष्ट्रपति उनमें से ही न्यायाधीश का चुनाव या की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये तो होगी कोलेजियम का सिद्धांत ठीक है। टोटल अगर हम राष्ट्रपति को शामिल करें तो यहाँ छह हो गए, और यहाँ पर मेन जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, पांच लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग की। न्यायिक नियुक्ति आयोग को हम बड़ा कॉन्ट्रोवर्सल आयोग कहा जा सकता है, कॉन्ट्रोवर्सल आयोग इसको इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें जो कार्यपालिका है उसके हस्तक्षेप की बात कही गई है ठीक है। इसके हस्तक्षेप की बात इसलिए की गई है, इसमें छह लोग हैं, कौन कौन छह लोग हैं, एक है मुख्य न्यायाधीश, वही मुख्य न्यायाधीश ठीक है, जिसको हम CJI कहते हैं ठीक है। दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश ठीक है, एक कौन हो गया, कानून मंत्री, जिसको हम विधि मंत्री कहते हैं राइट, और दो अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति ठीक है। अब उन प्रबुद्ध व्यक्तियों को कौन तय करेगा, कार्यपालिका तय करेगी। इस प्रकार ये टोटल लोग हो गए छह, ये क्या करेंगे, कुछ नाम राष्ट्रपति के पास है वही प्रस्तावित करेंगे, उनमें से एक चुनता है। तो अब क्या हो गया, अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति और कानून मंत्री, ये दोनों कार्यपालिका हो गई है मान लो आप, और ये दोनों न्यायपालिका। तो इसलिए जो मामला है नियुक्ति का, जो मामला है उसमें कार्यपालिका के हस्तक्षेप की बात हो गई, इसलिए इसको न्यायपालिका ने क्या कर दिया, असंवैधानिक करार देकर वापस, कौन सी प्रक्रिया, यही कॉलेजियम का जो सिद्धांत है वो लागू कर दिया। तो ये भारत में सीधा सीधा, इसके बीच में और भी कुछ मतलब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल प्रक्रिया है, और इसी कारण है अभी तक ये लास्ट का जो न्यायिक नियुक्ति आयोग आया है, उससे पहले बहुत सारी जो आयोग आए जिन्होंने न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति में अपने अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए थे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कॉलेजियम का सिद्धांत है वो पहले भी था, और इसके इस कुछ आधार या कुछ समय तक इसने रखा, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने इसे असंवैधानिक करार देकर वापस जो पुरानी व्यवस्था उसको लागू कर दिया ठीक है। अब हम बात करते हैं
संरचना की, कॉलेजियम सिद्धांत हो गया, या नियुक्ति की प्रक्रिया कहते हैं इसको। नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई, अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, हमने पहला टॉपिक पढ़ा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दूसरी नियुक्ति की प्रक्रिया, और अब हम तीसरा पढ़ते हैं न्याय, थर्ड टॉपिक है न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, न्यायपालिका की संरचना भारत में, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, भारत में एकल संगठित न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसके तहत राज्यों की पृथक न्यायपालिका नहीं होगी। ठीक है, राज्यों की पृथक न्यायपालिका नहीं होगी, तथा न्यायपालिका को एक पिरामिड की तरह बनाया गया है, जिसके सबसे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम केंद्र होगा। बस ये सेंटेंस भारत में न्यायपालिका की संरचना को बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर कर देता है। क्रिस्टल क्लियर का मतलब ये हुआ कि इसके बाद भारत की न्यायपालिका की संरचना को समझाने के लिए हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? और ऐसे नहीं है कि भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड की तरह की गई है। ऐसे इस पिरामिड में चार छत होंगे। ठीक है, चार छत होंगी, हमने क्या कहा, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, फिर होगा उच्च न्यायालय, फिर होगा जिला न्यायालय, और फिर हम कहते हैं इसको अधीनस्थ न्यायालय। ये इस प्रकार भारत में पिरामिडीय आधार पर न्यायपालिका की संरचना की गई है। अब कार्य कैसे करेगी? कार्य ऐसे करेगी, और दूसरी बात, कौन सी न्यायपालिका या कौन सा जो स्तर वो क्या क्या कार्य करेगा। ठीक है, जो न्यायपालिका का जो स्तर है वो क्या क्या होगा, और कौन सी न्यायपालिका का कौन सा स्तर क्या कार्य करेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबके जो अधिकार क्षेत्र वो अलग अलग है। ठीक है, सबके अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। और यहां बात, यहां जैसे हमने अभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हम न्यायाधीशों के फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर कोई फैसला है और हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम इसके खिलाफ अपील यहां कर सकते, हम डायरेक्ट यहां नहीं कर सकते, यहां डायरेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। और जब यहाँ फैसला आया, फॉर एग्जांपल है, इस ए और बी, बी के बीच में कोई समस्या है, कोई लफड़ा है, कोई लड़ाई है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन दोनों में जब मुकदमा आया तो यहाँ पर ये जीत गया। अब सीधी सी बात, जीत गए तो संतुष्ट, लेकिन ये असंतुष्ट होगा कि यहाँ इसने ऊपर अपील करेगा। अब ऊपर ये जीत गया मान लो, तो ये हार गया, तो अब ये असंतुष्ट हो गया, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ जाएगा। फिर भी अगर अब या ये जीता, यह जीता, या जो भी असंतुष्ट हुआ, फिर यहाँ जाएगा। इसके बाद जो भी फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। और अब यहाँ ऐसा होगा कि जो हारेगा और जो जीतेगा, वो अंतिम फैसला इसलिए होगा कि जो भी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला है उसकी जांच जरूर करेगा, या उसको अपने दिमाग में जरूर रखेगा। तो जब किसी मामले के ऊपर इतनी जांच पड़ताल, इतनी जिरह या इतनी खोजबीन हो जाती है, तो यहाँ आते आते उस मुकदमे में, उस फैसले में या उस समस्या में कोई और गुंजाइश रहती है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस प्रकार भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है वो बिल्कुल पिरामिड की तरह है, सर्वोच्च न्यायालय। अब इसका दूसरा नाम है, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये उच्च न्यायालय, इसको कहते हैं हाई कोर्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसको सेशन कोर्ट, ठीक है। याद रखने के लिए सुप्रीम या सर्वोच्च, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, हाई का मतलब बड़ा, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो जिला न्यायालय है, और सेशन का मतलब जिसको अधीनस्थ या स्थानीय स्तर का जो न्यायालय है, जिसमें छोटे छोटे जो दीवानी मामले हैं वो जाते हैं, इसमें फौजदारी मामले जाते हैं, इसमें दोनों जा सकते हैं, या संविधान की व्याख्या करने का कोई मामला हो, और यहाँ इसमें संविधान की व्याख्या हो, मौलिक अधिकार हो, संघीय जो ढांचा है उसमें केंद्र राज्यों के बीच में संघर्ष हो, दो राज्यों के बीच में संघर्ष हो, संघ और राज्यों के बीच में संघर्ष हो, या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी फैसले के ऊपर फांसी की सजा सुनी गई हो, ये जो सारे फैसले हैं, ये सारे मुकदमे हैं, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो कौन सी है, पिरामिड की तरह न्यायिक व्यवस्था होती है। उतार लें आप इसको, चलो स्टूडेंट्स, इसका लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक रह गया, जिसको हम चौथा टॉपिक कहेंगे, वो है क्षेत्राधिकार। कौन कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जिसमें हम यहां सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अब यहां हम बेसिक जो क्षेत्राधिकार है, या कहने का मतलब इसके जो मूल क्षेत्राधिकार है उसको हम चार भागों में बांटते हैं। चार भागों में पहला जो है जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक या एकमेव, नंबर एक। प्रारंभिक या इसको कह सकते हैं मौलिक, या इसको कह सकते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक, मौलिक या एकमेव क्षेत्राधिकार। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहला, सबसे पहला मौलिक केवल इसी का है, एकमेव जिसके ऊपर केवल इसी का अधिकार होता है, ऐसे मामले को होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सीधे कहाँ आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। इनकी सुनवाई केवल सीधी कहाँ हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। अब वो कौन कौन से मामले हैं जो इसके एकमेव या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आते हैं, कौन कौन से हैं, नंबर एक,
संघीय मामले। संघीय मामलों का मतलब क्या हो गया, जैसे संघ जो अपने शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, शक्तियों के विभाजन में जो विवाद है उसमें मध्यस्थ का काम कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब वो कौन शक्तियों में किस किस के बीच में विभाजन होगा, केंद्र व राज्यों के बीच। अब वो एक राज्य हो सकता है, बहुत सारे राज्य हो सकते हैं। तो संघीय मामले शक्तियों के विभाजन, संघ सूची आपको पता है शक्तियां कितनी होती है, 3 शक्तियां होती है, और अगर हम चौथी की बात करें तो वो अपशिष्ट जो शक्ति है वो संघ के पास ही, तो इसमें तो मामला हो ही नहीं सकता। तो पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। अगर इन तीनों में से कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए सीधे कहां पर अपील की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, ठीक है। तो ये एकमेव क्षेत्राधिकार में आता है। नंबर 2, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद, अगर है कहीं भी कोई समस्या आई है तो वो मुकदमा कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। नंबर 3, ये केवल हम इसमें एकमेव नहीं कह सकते, इसको सहयोगात्मक मामला कह सकते हैं, कौन सा, अपने जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के हनन का मामला। ये निर्भर करता है जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है वो व्यक्ति यहां जाना चाहता है या उच्च न्यायालय जाना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करता है, और अगर उच्च न्यायालय गया तो 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इस प्रकार प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकारों में इसके ये 3 क्षेत्राधिकार आते हैं, संघीय मामलों हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का हो, या मौलिक अधिकारों की स्थिति में अगर आता है तो क्या होगा, ये इसमें हम केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नंबर इसका ये फर्स्ट हो गया। नंबर 2, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, जैसे मैंने अभी बताया कि रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, तो ये कब होती है, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में। के हनन की स्थिति में ये रिट जारी कर सकता है। हम इसको चलो यहाँ से हटाई देते हैं, ये अलग ही रखते हैं, इसको तीसरे में रखते हैं, क्योंकि अलग ही हमने टॉपिक लिख दिया है। रिट की स्थिति में वो मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। कितनी रिट होगी, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऐसे लिख देता हूं मैं सीधा ही। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध लेख। नंबर 4, उत्प्रेषण लेख। और नंबर 5, अधिकार प्रथा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका को
कुछ न करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कब होगा व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कब होगा, जब विधायिका या कार्यपालिका या कोई प्रशासनिक जो अमला है या अधिकारी है वो कुछ करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो कुछ क्या करेगा, कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जो रिट है वो उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने का काम करती है। तो इस प्रकार ये कुछ न करने का आदेश दिया जाता है, समझ गया कि ये जितनी भी अपने ये रिट है ये कुछ न करने का आदेश देती है, ठीक है भाई। आप ये नहीं करोगे कुछ, मतलब वो कार्य जो उसने किया है जिसके कारण उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो कार्य आप नहीं करोगे। तो ये इस प्रकार से रिट जारी करके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। नंबर तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, इसको भी मिटा देता हूं मैं। अपीलीय क्षेत्र आएगा, बढ़िया आएगा। अपीलीय क्षेत्र आएगा, हमने देखा था कि भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है, पिरामिड के आधार पर है या अधीनस्थ है, यहां पर जिला है, यहां पर उच्च है और यहां पर सर्वोच्च है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के फैसले हैं उनके खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है, ठीक है। तो निचली अदालतों के जो भी फैसला है उसके खिलाफ अपील कहाँ जाएगी, ऊपरी अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। और अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई तो वो अपील भी यहाँ होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो निचली अदालतें अदालतों के फैसलों के खिलाफ की गई अपील की सुनवाई, ठीक है, ये करेगा, सुनवाई करेगा। और अगर निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को क्या सुना दी, फांसी की सजा सुना दी गई, तो उसकी भी अपील कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होती है, ठीक है। चौथा और लास्ट क्षेत्राधिकार है वो क्या है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार ये परामर्श देता है, किसको देता है, राष्ट्रपति को। आपको पता है विधायिका द्वारा गए किसी कोई भी अगर कानून बनाया जाता है, जो कानून है या विधायिका ने कोई भी जो विधेयक है उस भी कर्त करके राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, तभी वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो होता क्या है, राष्ट्रपति उस संबंधित कानून या विधेयक के ऊपर सलाह लेता है किससे, सर्वोच्च न्यायालय से। अब वो क्यों लेता है, क्योंकि अगर वो कानून जो है संविधान के खिलाफ हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय उसको वैसे भी निरस्त कर देगा, तो इसलिए राष्ट्रपति पहले उसे सलाह लेता है, समझ में आ गई। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति ने इससे सलाह ली और ये सलाह दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर इसने सलाह इसको दे दी और ये माने, ये भी जरूरी नहीं है। तो सलाह ये दे ये भी जरूरी नहीं है और माने भी, मतलब यहाँ कहीं भी बंदिश नहीं है कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी और सर्वोच्च न्यायालय दे दी, यहाँ ये भी बंदिश नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी और वो राष्ट्रपति माने ही माने। अब आपके सामने एक सीधा सवाल ये है कि फिर इस परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की जरूरत कहाँ है, जरूरत यहाँ है, कहाँ, कि जब संसद कोई भी कानून बनाती है किसके पास जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जरूरत यही हो जाती है यहाँ, इसलिए हो जाती है कि संसद कोई भी इस प्रकार का कानून पहले ही नहीं बनाती, उसके दिमाग में चीज होती है कि अगर वो संविधान के खिलाफ हुआ तो ये निरस्त कर देगा, और अगर
मान लो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए गया, राष्ट्रपति ने इसे सलाह ली, इसने सलाह दी और वो सलाह उसको जची, तो हस्ताक्षर नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा तो विधेय कानून नहीं बनेगा। तो इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक दबाव किसके ऊपर, संसद पर बनाए रखने के लिए इस परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार को रखा गया है। हम इसका पांचवा एक और हम क्षेत्राधिकार पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो कौन सा, प्रशासनिक। क्षेत्राधिकार क्या होता है? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय अपने से जितने भी निचली अदालतें हैं, निचली अदालतों का प्रशासन देखने का काम करता है। प्रशासन देखता है, ठीक है, कि प्रशासन क्या क्या देखता है कि जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का योगदान लेता है। उसके अलावा कोई मुकदमा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसको वो देखता है, या किसी मुकदमे को ऊपरी न्यायालय से या जैसे जिला न्यायालय से उसको उच्च न्यायालय में लाना है, तो ये सारे कामकाज जो है सर्वोच्च न्यायालय देखता है। तो इस प्रकार ये सर्वोच्च न्यायालय के हमने पांच क्षेत्राधिकार पढ़ लिए हैं, ठीक है। इन पांच क्षेत्राधिकारों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार उसका इस्तेमाल करता है और ये अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है, लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है, इसको बनाए रखने का काम करता है। इस प्रकार आज अपना टॉपिक जो न्यायपालिका और उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हाजिर होते हैं एक और नया टॉपिक लेकर। तभी तक जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।